Welcome to Tape with Visual. And subscribe the channel and press the bell icon. Never miss an update. Like this video once, share this video and join my WhatsApp group. Contact me on about page. Join my Telegram channel. This is a channel is official channel. Link for about page. Start the tutorial from Tech with Vishal YouTube channel. So hello guys, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का Tech with Vishal YouTube channel में. तो आज मैं वीडियो जो है एक नए सेटअप पर शूट कर रहा हूँ. हमेशा मैं वीडियो अंदर शूट किया करता था, ठीक है, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो को बाहर शूट किया जाए, ठीक है, क्योंकि बाहर का जो बैकग्राउंड होता है वो वीडियो में अच्छा लगता है. तो आप बताइएगा कि जहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये कैसा है बैकग्राउंड, क्या मुझे यहाँ पर वीडियो शूट करनी चाहिए या नहीं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. तो आज की इस वीडियो में हम YouTube के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए पार्ट नंबर 3 बात करेंगे. आज हम बात करेंगे कि YouTube चैनल को कैसे बनाया जाता है, हाउ टू क्रिएट अ YouTube चैनल, आपको अपने चैनल को किस कैटेगरी में रखना चाहिए और ब्लाइंड कौन कौन सी कैटेगरी पर YouTube पर काम कर सकता है, और अगर आप नॉर्मल हैं तब आप कौन सी कैटेगरी पर YouTube पर काम कर सकते हैं. तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. आप लोग जानते हैं कि मेरा बर्थडे आने वाला है, 2K सब्सक्राइबर आप लोगों को कंप्लीट करवाने हैं. मैं उम्मीद तो ये रखता हूँ कि आप जरूर कंप्लीट करवाएंगे, आगे आपके ऊपर है. तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और जानते हैं यूट्यूब चैनल के बारे में. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल. आप देख रहे हैं आप सभी का फेवरेट यूट्यूब चैनल टेक विद विशाल. तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताइएगा कि मुझे यहाँ पर वीडियो शूट करनी चाहिए या नहीं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सो गाइज, हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि यूट्यूब चैनल को कैसे बनाया जाता है, उसका नाम कैसे डाला जाता है और कितने दिनों में हमें यूट्यूब का नाम चेंज करना चाहिए, कौन सी कैटेगरी में हमें यूट्यूब चैनल को रखना चाहिए, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मैंने पहले से ही YouTube को उसी अकाउंट से स्विच कर रखा है जिससे चैनल मुझे बनाना है. आप अपना अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं और एक ईमेल आईडी से आप एक ही चैनल बना सकते हैं, दो चैनल आप नहीं बना सकते. अगर आप अपना ब्रांड अकाउंट बनाते हैं तो आपका दो चैनल बन सकता है या तीन चैनल बन सकता है, अदरवाइज आप एक ही चैनल बना सकते हैं. और क्या क्या कंडीशंस हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको पता चलेगा. तो चलिए सबसे पहले हम YouTube में चलते हैं. तो यहाँ पर हमारा YouTube ओपन हो चुका है. YouTube ओपन होने के बाद ओके, तो यहाँ पर YouTube ओपन होने के बाद हमें अपने लोगो यानी अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है. तो देखिए आप स्वाइप करके भी जा सकते हैं, मैं एक्सप्लोर बाय टच जा रहा हूँ. तो यहाँ पे प्रोफाइल का जो हमारा लोगो बना है अकाउंट, हमें उस पर क्लिक करना है. क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर योर चैनल आप एक्सप्लोर बाय टच भी खोज सकते हैं और स्वाइप करके भी, लेकिन सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है तो यहाँ से आप जो है अपने अकाउंट को स्विच कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ से आप अपने अकाउंट को स्विच कर सकते हैं, यानी आपको आईडी अगर चेंज करनी है तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं. देखिए आगे मैनेज योर गूगल अकाउंट, योर चैनल. तो सिंपली आपको चैनल क्रिएट करने के लिए योर चैनल में जाना है. तो यहाँ पर आप देख, मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा. वैसे मैंने बहुत सारे आईडियों से चैनल बना रखे हैं, ये एक आईडी थी जिसे चैनल नहीं बनाया है ना. तो
जो है आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप YouTube पे चैनल नहीं भी बनाना चाहते लेकिन अगर आप किसी की लाइव चैट में लाइव चैट करना चाहते हैं तो आपको चैनल बनाना पड़ता है। और बनाने की तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर चाहे अपलोड करो चाहे ना करो, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो चुका है, हाउ विल अपीयर, यहाँ से आप चैनल का लोगो अपलोड कर सकते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर, यहाँ पे बोल रहे हैं चेंज योर फोटो और टेक अ न्यू वन, एडिट नेम। अब जैसे अगर एडिट नेम पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे नाम देखिए, यहाँ पे विशाल शर्मा हो गया। ध्यान रखिएगा कि आपको जो अपने चैनल का नाम डालना है वो 50 करेक्टर्स का डालना है। सॉरी, ये देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है कि विजिबल टू ऑल ओनली ऑन यूट्यूब, यानी यूट्यूब पे ये नाम होगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो है इसको मतलब ये जो है सिर्फ यूट्यूब पे ये नाम दिखाएगा, अगर आप गूगल के कोई प्रोडक्ट जैसे मीट वगैरह या यूज़ करते हैं तो उस पर जो है ये नहीं आएगा। तो नेक्स्ट, नन मोर, यहाँ पे एक बटन है, बैक करता हूँ, यहाँ पे नेम, आप यहाँ पे भी क्लिक करके अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है बाय टैपिंग क्रिएट अ चैनल रीड यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस दिस नेम विजिबल ओनली ऑन यूट्यूब नॉट अदर गूगल प्रोडक्ट। आप यहाँ से क्लिक करके यूट्यूब की टर्म्स ऑफ सर्विस को पढ़ सकते हैं, लर्न मोर करके इसके बारे में जान सकते हैं, नाम के बारे में, क्रिएट चैनल, तो आपको क्रिएट चैनल पे क्लिक करना है। चैनल क्रिएटेड, अब यहाँ पे गाइस ये YouTube की कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वीडियो दिखा रहा है लेकिन मेरे चैनल की वीडियोस नहीं है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ये एक YouTube की प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है ना, नो सब्सक्राइबर नो वीडियोस, ये जो नीचे वीडियोस दिखाई दे रही हैं इनको आप मत देखिएगा, ये मतलब हमारे काम का नहीं है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर नन मोर अबाउट दिस चैनल, यानी आप सीधा चैनल के अबाउट में जा सकते हैं, आप मैनेज वीडियोस में जा सकते हैं, एनालिटिक्स, एडिट चैनल, तो सबसे पहले हम चलेंगे एडिट चैनल में और आपको डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे कि चैनल की डिस्क्रिप्शन कैसे डालते हैं। तो एडिट चैनल पर क्लिक करते हैं, वही एक चैनल सेटिंग का पेज ओपन हो गया जहाँ से आप अपना नाम, चैनल की डिस्क्रिप्शन और कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए आप जानते हैं चैनल सेटिंग, वही अपडेट प्रोफाइल फोटो, अपडेट चैनल बैनर, एडिट नेम, वही आप नाम पे इस पर क्लिक करेंगे तो एडिट नेम में आ जाएंगे, नेम आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तब भी एडिट बॉक्स में आ जाओगे, एडिट डिस्क्रिप्शन, एड अ डिस्क्रिप्शन, आप कहीं पे भी क्लिक करें, यहाँ पे एडिट डिस्क्रिप्शन, एड डिस्क्रिप्शन, एड अ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मैं एड अ डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करूँगा, आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हो 1000 करेक्टर्स तक की। तो आपको डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, जैसे हाय गाइस, माय नेम इज विशाल, दिस चैनल इज प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजी कंटेंट फॉर ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड यूजर, प्लीज वॉच दिस, प्लीज लाइक माई वीडियोज, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, फॉर एनी बिजनेस क्वायरी कॉन्टेक्ट एट, जो भी आपकी ई मेल आई डी है वो आप डाल सकते हैं। बिजनेस आई डी आप तभी डालें जब आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, इससे पहले डालने की जरूरत नहीं है। कैंसल, मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है,
आप डाल सकते हैं, ओके कर दिया मैंने। प्राइवेसी, कीप माई ऑल प्राइवेट सब्सक्रिप्शन ऑन, यानी जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपका चैनल विजिट किया, ठीक है, विजिट करने के बाद वो आपके चैनल्स में गया, वहाँ पे आता ना वीडियोस टैब, चैनल्स टैब, वो मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो चैनल्स टैब में आप जाओगे तो ये जो सब्सक्राइब वाले आपने चैनल किए होंगे वो शो होंगे, लेकिन अगर आप ऑफ़ कर दोगे तो वो शो नहीं होंगे, ठीक है। तो आप इसे ऑन ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऑन है, मैं ऑन रहने दूँगा, यहाँ पे बटन बोल रहा है यानी ऑन है। कीप माई सेव प्राइवेट लिस्ट ऑन, आप इसको भी ऑफ कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि लोग प्राइवेट लिस्ट को ना देखें तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। बटन ठीक है, यहाँ पे वही है कि नाम जो चेंज होगा वो ओनली ऑन गूगल प्रोजेक्ट में चेंज होगा और किसी चीज में चेंज नहीं होगा। ओके ओके, आगे नन मोर सिलेक्टेड होम बटन। तो सिंपल आपको ये करना है, ठीक है, बैक करते हैं। विशाल शर्मा सिलेक्टेड होम बटन, तो यहां पर विशाल शर्मा नो सब्सक्राइबर स्नोबोर्ड स्नोबोर्डिंग 5 सेकंड्स स्नोबोर्डिंग 5 विशाल शर्मा नो सब्सक्राइबर्स नो वीडियोस बीन लिस्टेड। ठीक है, अब सबसे आपको ऑप्शन भी दिखा देते हैं। वीडियोस बटन आउट ऑफ लिस्ट, यहां पे वीडियोस है, आप वीडियोस में जाके देखिए तो वीडियो नहीं है। वो जो दिखा रहा है वो YouTube की कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको उसके बारे में वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो अभी कोई वीडियो नहीं है, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, कह रहा है कि आप कोई वीडियो शेयर कीजिए, पब्लिक वीडियो लोगों को दिखाएगा। यहाँ यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियोज हैं, प्लेलिस्ट है, चैनल्स हैं, अबाउट है। अबाउट में क्या दिखाएगा, अबाउट में जो भी आपने चैनल की डिस्क्रिप्शन, वो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का लिंक और कितने आपके टोटल व्यूज हैं। देखिए चैनल्स में सिलेक्टेड, तो अभी कोई वो नहीं है। अरे मत रुकिए, तो आप देख सकते हैं, मैंने आज मतलब लांडे, तो आप देख सकते हैं चैनल्स में भी अभी कोई चैनल नहीं है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, तो इस तरह से YouTube का चैनल जो है वो क्रिएट किया जाता है। अब यहाँ से करते हैं ओवरव्यू से डिसमिस, और आपको बताते हैं कि किस कैटेगरी में ब्लाइंड व्यक्ति काम कर सकता है। नॉर्मल व्यक्ति किसी भी कैटेगरी में काम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्लाइंड व्यक्ति कुछ जो कैटेगरीज हैं उन्हीं में काम कर सकता है वो, मतलब वो साइटेड की हेल्प से कर तो कुछ भी सकता है ऐसा नहीं, लेकिन आप घर में अकेला ब्लाइंड है तो वो कुछ कैटेगरीज में काम कर सकता है, जैसे म्यूजिक, टेक, गेमिंग, जनरल नॉलेज, जीके, जॉब्स इंफॉर्मेशन और कविताएं, ठीक है। म्यूजिक, टेक, जनरल नॉलेज, इंफॉर्मेशन, जॉब इंफॉर्मेशन, कविताएं, ठीक है। तो इस चीज में ब्लाइंड जो है काम कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। चैनल की कैटेगरी कैसे सेट करते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले लोगो और बैनर की वीडियो आपको बताएंगे। तो लोगो वाली वीडियो तो शायद बन रखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी मैं बता दूंगा उसमें, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए दोनों के लिए ग्रुप बने हुए हैं, आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल्स बहुत कम है हमारे पास, तो अगर कोई ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। साथ ही साथ 2K सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट करवाएं, हमारा बर्थडे आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।